सुशांत केस की हर एंगल से जांच हो रही है। सीबीआई के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय भी इस केस को अलग एंगल से जांच रही है। ड्रग पेडलर्स के खुलासे के बाद एनसीबी ने सैमुअल और रिया के भाई सौभिक को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया था। एनसीबी ने कोर्ट से सौभिक और सैमुअल मिरांडा की 9 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के भाई सौभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक के लिए रिमांड में रखने का आदेश दिया है। मजिस्ट्रेट नरेंद्र जोशी ने अपने फैसले में कहा, ये दोनों एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। वहीं एक अन्य आरोपी कैजान को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है।